यानी समझते हैं अंतरिक्ष क्या है, इसमें कितने देश शामिल है और हर कोई देश इस स्पेस में क्यों शामिल होना चाहता है। दुनिया की पांच सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स, मतलब ये पांच देशों का समूह है जो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। ब्रिक्स अंग्रेजी अक्षरों का समूह है जो पांच देशों को बताता है। इसमें आने वाले देश है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ये पांच देशों का समूह है जो ब्रिक्स को बनाता है। ये ब्रिक्स इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो जितने भी पांच देश हैं, ये सारे देश इसी के अंदर आ जाते हैं। ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जो दुनिया की पांच सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ये जो दुनिया के पांच देश है ये सबसे ज्यादा उभर रहे हैं। ये इसमें से इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश, ये जो देश है सबसे तेजी से उभर रहे हैं और इनका अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा आगे हो जाएं। ये जो ब्रिक्स है किसी से सेम मिलान वाला एक शब्द आता है ब्रिक्स। इस ब्रिक्स का मतलब है पांच देश और इसका मतलब है कि एक एक ही का देश लगा देते हैं तो ये जो ब्रिक्स है इसका मतलब होता है एक, और ये जो ब्रिक्स है ये मतलब है पांच देश। पांच देश अगर इसकी बात करें तो जिस प्रकार से ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इनका उपयोग करके हम किसी भी घर को बना सकते हैं, इतनी ज्यादा मजबूत होती है। अगर सिंगल ईंट भी धोखे से भी लग जाती है तो इतना ज्यादा खतरनाक चोट पहुंचाती है जो असहनीय रहता है, असहनीय दर्द पहुंचाती है। वैसे ही अगर इन पांच देशों को हम मिला दें और इन पांच देशों को मिलाने के बाद एक ऐसा हथियार तैयार हो जाता है, एकजुट हो जाने के बाद ऐसा हथियार बनता है किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं, किसी देश का भी सर फोड़ने के लिए माहिर है, इतने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। साला कोई रशिया से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता और फिर पांच जीरो से कौन टक्कर लेगा, है किसी में हिम्मत, कौन लेगा इनसे टक्कर। जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से भी छेड़ दिया तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये पांच ऐसे देश हैं अगर जानकारों की माने तो 2050 तक, कब तक, 2050 तक ये देश विनिर्माण उद्योग सेवाओं और कच्चे माल के सबसे बड़े सप्लायर बन जाएंगे, मतलब ये आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे। एक हिसाब से कहते हैं कि जो जिनके पास नहीं उनके लिए मसीहा बन जाएंगे। भारत और चीन विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे, वही कच्चे माल के सप्लायर में रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये सब आगे रहने वाले हैं क्योंकि जो विनिर्माण उद्योग और सेवाओं का क्षेत्र है भारत और चाइना कवर कर रहा है। इसके साथ ही कच्चे माल का जो सप्लायर है, कच्चे माल की जो आपूर्ति कर रहे हैं वो जो है रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों मिलकर कच्चे माल की सेवाओं को दे रहे हैं, मतलब कच्चा माल उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इन सबके मिक्सअप को लेकर आगे आने वाला समय है तो ऐसा समय आएगा कि ये पांच देश जो है ये पूरी तरह से किसी भी देश को या किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीजों को देने में सक्षम हो जाएंगे। तो अगर बात करें कि जो ब्रिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो इसके उत्पत्तिकर्ता है वो जिम ओनिल, जिम ओनिल ने ही इस ब्रिक्स शब्द को बनाया था। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, कौन है, अर्थशास्त्री। जब जिम ओनिल ने इस शब्द को बनाया था तब इसमें ब्रिक्स ब्रिक्स की जगह पर एस लगा था, तब ये सिर्फ ब्रिक था, ब्रिक को दबाने वाला था जिससे गाड़ी रुक जाती है, वो मत समझ लीजिएगा। मतलब कि इसमें ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था, यानी यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था। तो जब ये सब को बनाया गया था तो ये सिर्फ चार देश थे। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया, तब ये ब्रिक्स से हटकर क्या बन गया, ब्रिक्स, ब्रिक से बढ़कर ब्रिक बन गया। तब 2010 में जब साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था, 2006 में रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में G8 की एक बैठक हुई थी, तभी इन जो ब्रिक्स में देश थे शामिल, उस समय कितने चार देश थे, चार देश के जो राजनेता थे मतलब यहाँ के जो लीडर्स थे वो आपस में मिले थे। कहाँ पर, रूस में मिले थे, कब मिले थे, 2006 में, कहाँ मिले थे, रूस में 2006 में ये जो नेता थे वो पहली बार मिले थे। इसके बाद 2010 में ब्राजील की राजधानी में एक बैठक हुई तो उसमें जो साउथ अफ्रीका था उसको शामिल किया गया और उसको जब शामिल किया गया तब ये ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक्स से ब्रिक्स बना था 2010 में। जो दक्षिण अफ्रीका था वो इसकी बैठक में कब शामिल हुआ था, 2011 में, कब, 2011 में, जब चाइना में इसकी तीसरी बैठक हुई थी, कहा
चीन में इसकी तीसरी बैठक हुई थी, तब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था, यानी दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। कब? 2011 में। कहां पर? चीन की जब बैठक हुई थी तब इसमें साउथ अफ्रीका ने भाग लिया था इस बैठक में। देखिए अगर बात करें ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है वो चाइना में, इसका मुख्यालय कहाँ है? चाइना में, चाइना के शंघाई शहर में। सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, और इसी सम्मेलन में जो हर जितने भी शामिल देश है, उन देशों के जो प्रमुख लीडर रहते हैं वो आकर उसमें भाग लेते हैं। जो सम्मेलन होता है उसमें हर देश के जितने भी देश शामिल रहते हैं, उसके जो राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसकी मेजबानी प्रतिवर्ष हर एक देश करता है, जो बारी बारी से हर एक देश इसकी मेजबानी करता है। जितने भी देश इस ब्रिक्स में शामिल है वो सभी मिलकर आर्थिक मुद्दों पर बात तो करना चाहते हैं, वो हर देश की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उन पर बात करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ देशों के पास भारी राजनीतिक विवाद चल रहा है, जिसमें से चाइना और इंडिया की जो सीमा विवाद है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है। हालांकि हर एक देश के पास कोई न कोई विवाद चल ही रहा है, तो हर कोई देश अपने विवाद से ही नहीं उलझ पा रहा, तो आर्थिक जो मुद्दे हैं उन पर बात क्या करेंगे। जो ब्रिक्स समूह है ये 2020 तक तो किसी भी देश को नहीं ऐड होने देना चाहता था। कब तक? 2020 तक तो कभी किसी भी देश को ऐड नहीं किया है, ना ही ये ऐड करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद इसने सोचा है कि हम और देशों को इसमें शामिल करें, जिससे जो संघ है, जिससे जो हमारा जो गुट है ये और ज्यादा बड़ा हो जाए, जिसमें और सारे देश शामिल हों, जो किसी भी दूसरे देश पर जो उसके जो आर्थिक संकट है उस पर बात करने के लिए सक्षम हो जाए, और कि जो जो उनकी समस्या और जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी हल किया जा सके। तो इसलिए इसने 2020 के बाद जुड़ने को सोचा है कि अब हम इसमें और देशों को भी शामिल कर लेंगे। फिलहाल इसमें जुड़ने के लिए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब ने इसमें जुड़ने के लिए जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है। इन्होंने कहा है कि हम आपसे जुड़ेंगे, तो इस जो ब्रिक्स का समूह है ये इस पर बात करेगा, और इस पर बात करने के बाद और इन देशों को जोड़ने के लिए आगे कुछ करेगा, मतलब इन देशों को जोड़ने की कोशिश करेगा कि इन्हें जोड़ना है या नहीं है, वो सब उन बातों पर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन देशों ने अपनी रिक्वेस्ट को भेज दिया है। अभी तक फिलहाल इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलारूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, ट्यूनिशिया, तुर्की, उरुग्वे, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, इन सभी देशों ने इसमें जुड़ने के लिए रुचि दिखाई है। इन्होंने भी कहा है कि हम इस जो संघ चल रहा है, ये जो ब्रिक्स का समूह है, इसमें जुड़ेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इन सब देशों ने अभी तक इसमें रुचि दिखाई है, और इन्होंने तो अपना रिक्वेस्ट भेज ही दिया है। जो इसमें जिसको भी जुड़ना है वो जल्दी से जुड़ जाए, जो काम करना है वो तुरंत कर लो, देर करने से कोई मतलब नहीं है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।